अगर आपका दिल टूट गया है, अगर आपका रिलेशन ब्रेक हो गया है, अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, अगर आपका पति आपकी पत्नी आपसे दूर हो गई है। एक माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, एक स्त्री अपने पति को प्रेम करती है, एक बहन अपने भाई को प्रेम करती है, बिटिया अपने बाप को प्रेम करती है। हाँ, आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। लोगों के यहाँ प्यार पर भी बात होती है और हमारे यहाँ प्यार पर ही बात होती है। तो साहब, ये बात समझना कि अभी तक कोई आपके पास जैसे नाक कान गले का स्पेशलिस्ट होता है, उसको कुछ और दिखाने जाओ तो वो नहीं देखता। ऐसे ही हमारे यहां हम सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान करते हैं। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक अद्भुत और चमत्कारी उपाय लेकर के, एक ऐसा टोटका, एक ऐसा विधान, एक ऐसी विधि, एक ऐसी व्यवस्था जिससे आप जिसको भी चाहो वो आपके अपने वश में हो जाएगा। और आज के चमत्कार में एक अद्भुत बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं आने वाला आपका। इसमें आपको चार आने खर्च नहीं करने, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं किसी भी गाय कुत्ते बैल हाथी कुत्ते के पीछे भागना नहीं है, आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के चक्कर भी नहीं काटने। ये एक ऐसा अद्भुत और ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जो आप अपने ही घर में अपने ही तरीके से बैठ कर सकते हो। ना किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना ही किसी विधान की आवश्यकता है, ना ही किसी बहुत बड़े विधि की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है आपको वास्तविक होने की, आपको श्रद्धालु होने की। और हां, सच्चे प्यार में हो अगर तुम सच्चे प्रेम में हो, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो मैं पूरी सच्चाई से तुम्हारे साथ में हाजिर हूं। ध्यान रखना, तुम्हारे साथ 100% खड़ा हूं मैं, 24/7। मैंने बहुत बार कहा है कि मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूं। लोगों ने मुझे पूछा, ऐसा क्यों करते हैं आप, सिर्फ 2 घंटे क्यों? आप खुद की आराम पर ध्यान दीजिए। आप जब स्वयं आराम करेंगे, स्वयं ज्यादा बेहतर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ज्यादा काम कर पाएंगे। तो मैंने कहा, साहब आप आराम से सो सकें, आपके जीवन में सुख रहे, आप शांति से आराम कर सके अपने जीवन में, तुम्हें तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति ना होने पाए, इसलिए तो मैं जगता हूं ताकि तुम सो पाओ। तो आज मैं एक उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। अगर आपका रिलेशन डगमगा रहा है, अगर पारिवारिक व्यवस्थाएं खराब हो रही है, अगर पारिवारिक व्यवस्थाओं पर किसी भी रूप में आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो सावधान, आज का उपाय आपके जीवन में त्वरित फर्क डालेगा और इसका प्रभाव कुछ सेकेंड्स में शुरू हो जाता है। जब हम किसी को दिल देते हैं, जब हम किसी को प्रेम करते हैं, जब किसी के हम हो जाते हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैं वो सब बातें रोज कहता हूं जिससे तुम्हें बेहतरी आए। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना रिलेशन में, खासतौर से लड़कियां बिल्कुल नहीं, लड़के तो दे भी सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती। ऐसा देने से उसी समय रिलेशन खराब होने की नींव पड़ जाएगी। प्रीवियस लाइफ शेयर नहीं करें, ऐसा करने से त्वरित सब खराब होने लगता है। किसी भी सूरत में नहीं बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो सामने वाला बता भी रहा हो तो भी नहीं बताना। क्यों बताना भाई, भूतकाल से क्या लेना देना? आज हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहना चाहते हैं निरंतर। ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, इसको जानो ना। इस शाश्वत सत्य को जानो और इस सत्य को पहचानो और इसी सत्य के साथ जीवित रहो। बचपन में तो हम जो छोटे छोटे कपड़े पहनते थे वो आज नहीं पहन सकते ना, तो भूतकाल की चीजें नहीं बतानी। भूतकाल किसको बताना? भूतकाल बताना उसको जो तुम्हें ठीक करने वाला हो, जो तुम्हें व्यवस्थित करने वाला हो, जो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट को बेहतर करने वाला हो, उसको जाते ही त्वरित बता देना कि ये गलतियां हुई है मेरे से, सब ठीक कर दो। आज मैं साझा कर रहा हूं आपके साथ एक अद्भुत और एक बेहतर उपाय जिससे आप अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को, अपने लवर को, अपने जीवन साथी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को अपने वश में कर सकते हो। इसके लिए कुछ खास नहीं सामग्री लगनी है। इसके लिए एक कागज चाहिए आपको, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का एक पेपर चाहिए, उसकी माप 4 अंगुल
नीचे चार अंगुल ऐसे ऊपर रखो, आठ अंगुल हो गया और आठ इधर, आठ इधर, आठ इधर, इतना बड़ा आपको पेपर ले लेना है। व्हाइट होना चाहिए, उसमें कोई दाग ना हो, कोई निशान ना बना हो। उस कागज में आपको हल्दी मिला करके किसी भी सुगंधित तेल से, एक मंत्र बताता हूं, वो लिख देना है मंत्र और उसको जला दीजिए। जलाते ही कुछ सेकेंड में चमत्कार हो जाएगा। जिसे आप चाहते हो, जो आपसे खूब झगड़ा कर रहा था, विवाद कर रहा था, बात नहीं करना चाह रहा था, आपकी तरफ देखना नहीं चाहता था, या आपका होना नहीं चाहता था, या जो भी किसी भी रूप में आपके साथ बहुत विवादास्पद, आपको दुश्मनों की तरह देखने लगा था, सिर्फ अपवाद या अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, वो सब कुछ अचानक चेंज होने लग जाएगा। रातों रात एक नई स्कीम प्रारंभ हो जाएगी, कुछ सेकेंड्स में ही परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। करके देखिए, ये उपाय बहुत अद्भुत है, ये बहुत चमत्कारी है, बट इस उपाय को करने के लिए बहुत अत्याधिक आवश्यक है, उपाय करने के पहले आपको पूरी तरह से विशुद्ध हो जाना है, स्नान इत्यादि कर लें, आप धुले हुए कपड़े पहने हुए होने चाहिए। ये सब तो काम अपने घर में कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। जिस सामग्री से आप लिखेंगे, जिस तेल में हल्दी मिला के लिख रहे होंगे, उसको आप अपनी नाभि पे, अपने गले पे और अपने मस्तक पर पहले लगाकर जूठा कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। ऐसा करने मात्र से आपके अपने चीजों में बहुत तेजी से परिवर्तन होगा और आप देखेंगे कि आप जिसके बारे में लिख रहे हैं, उस मंत्र के बीच में उसका नाम लिखना है। मैं सारा कुछ आपको साझा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो कामाख्या देव्याय, अमुख मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, ओम नमो कामाख्या देव्याय के बाद और मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा के पहले जहां पर अमुख बोला है, वहां पर आप उसका नाम लिख दें। जहां पर अमुख लिखा है, वहां पर आप उसका नाम लिखें, और यह आपको लिखना है। लिखने के बाद बोलते हुए जला देना है, केवल मात्र इतना ही करना है। इस बची हुई राख को किसी भी कपड़े में कस के खूब तेज बांध दीजिएगा। बांधने के बाद इसे अपने ही बेड के नीचे दबा दीजिएगा, अगर उसे उसी पे सोइएगा रात। ऐसा करने से बहुत जल्दी अतिशीघ्र ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं और आप बहुत व्यवस्थित हो जाते हो। ये उपाय करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, बहुत बेहतर रहना। माँ कामाख्या आपके जीवन में प्रसन्नता आनंद लेके आए, आपके जीवन में प्रेम भरे, आप बहुत 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 खुशहाल हो जाएं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना रहे, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।